हिंदी सिनेमा इतिहास के अगर पहले सुपरस्टार की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम राजेश खन्ना का ही आएगा। राजेश खन्ना अपने जमाने के ऐसे सुपरस्टारों में से एक रहे जिन्होंने अपने बेहतरीन फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत कमाया, जिसकी आज भी काफी ज्यादा तारीफें की जाती हैं। राजेश खन्ना की अगर बात जब कभी भी आ जाती है तो कई सारी बातें उभर कर सामने आती हैं। इनका जितना शानदार फिल्मी सफर रहा है उतनी इनकी पर्सनल लाइफ विवादों भरी रही है। अपनी लव लाइफ को भी लेकर राजेश खन्ना काफी विवादों में घिरे रहे, वहीं दूसरी ओर अपने साथी कलाकारों के साथ इनके मनमुटाव भी किसी से छुपे नहीं है। राजेश खन्ना का अगर मनमुटाव की तरफ डालें तो सदी के महाराज कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा था, क्योंकि उस जमाने में राजेश खन्ना को सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही टक्कर दे रहे थे। ऐसे में राजेश खन्ना उस जमाने के एक बड़े सुपरस्टार थे और वो अपना तमगा हमेशा से ही बचाने के लिए अमिताभ बच्चन पर कमेंट भी किया करते थे और इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर जारी थी। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ से हटकर एक ऐसा भी सितारा रहा है जिसके चलते राजेश खन्ना उस पर बहुत ज्यादा गर्मा गए थे और इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी और अंत तक ये दुश्मनी रही। जिक्र करना चाहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत कमाए और एक आउटसाइडर होने के नाते उन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब काका कहलाए जाने वाले राजेश खन्ना के साथ उनकी तल्खियां देखने को मिली और इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत होती है राजनीति पार्टी को लेकर। दरअसल आज से कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान राजनीति की वजह से हुए मनमुटाव के चलते शत्रुघ्न सिन्हा ने इन सभी बातों का खुलासा किया था और बताया था कि राजेश खन्ना उनसे क्यों नाराज हो गए थे। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि चुनाव में अलग अलग पार्टी होने की वजह से दोनों ही एक दूसरे के उलट खड़े हुए थे। जब ये बात राजेश खन्ना को पता लगी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। शत्रुघ्न सिन्हा इस दौरान बताते हैं कि वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन लाल किशन आडवाणी की बात को वो बिल्कुल भी नहीं टाल पाए। वह लाख बार राजेश खन्ना को ये बात समझाते रहे लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझे और यही वजह रही कि सालों तक इन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने साल 1984 में राजनीति में कदम रखा था और 1992 में शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर राजेश खन्ना ने 25,000 वोटों से जीत भी हासिल की थी। तो वही दूसरी ओर इसी इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना के बारे में बातचीत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने उस दौरान कहा था कि वह हमेशा से चाहते थे कि राजेश खन्ना के साथ वो अपने रिश्तों को ठीक कर लें, लेकिन कभी भी उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल पाया और वो अपने दिल की बात उसे नहीं कह पाए। शत्रुघ्न सिन्हा इस दौरान ये भी बताते हैं कि जब राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती हुए थे तब वह उसे माफी मांगना चाहते थे। उनका मन था कि उनसे मिलने जाए और बस गले लगा ले, लेकिन यह करने से पहले राजेश खन्ना दुनिया को अलविदा कह गए। इस बात का अफसोस आज भी उन्हें होता है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि राजनीति की अलग अलग पार्टियों के होने के नाते राजेश खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और उनकी इस नाराजगी से आहत होकर शत्रुघ्न सिन्हा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सब कुछ भुलाकर राजेश खन्ना से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर पाने से पहले राजेश खन्ना ने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए। हालांकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राजेश खन्ना ने साल 1966 में आई फिल्म खल से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। पुराने वाले समय में उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की जिन फिल्मों के चलते आज भी उन्हें याद किया जाता है। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान राजेश खन्ना ने करीब 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बताया तो ये भी जाता है कि साल 1969 से लेकर साल 1975 तक का जो वक्त था उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। राजेश खन्ना का स्टारडम उनकी अंतिम यात्रा में भी देखने को मिला। राजेश खन्ना के देहांत के बाद उनके पार्थिव शरीर को एक पारदर्शी ताबूत में रखा गया था जिसे सफेद फूलों से सजाकर ट्रक में रखा गया था। राजेश खन्ना के अंतिम दर्शन के लिए ट्रक के पीछे भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली जो अपनी नम आंखों से काका को विदाई दे रहे थे। वैसे देखा जाए बड़े बड़े सुपरस्टारों की तल्खियां हमेशा से एक दूसरे स्टार्स के प्रति हमें देखने को मिली रही है। शत्रुघ्न सिन्हा का सिर्फ राजेश खन्ना के साथ ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के साथ भी 36 का आंकड़ा रहा है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि दीवार, शोले, सत्ते पे सत्ता ये वो बड़ी फिल्में रही जिन बड़ी फिल्मों को शत्रुघ्न सिन्हा ने ठुकरा दिया था और बाद में ये सभी फिल्में अमिताभ बच्चन ने की और इन फिल्मों से उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। हालांकि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने साथ में मिलकर भी कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन की तल्खियां शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति हमें देखने को मिली। और बताया तो ये भी जाता है कि शोले फिल्म से जब धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर निकलवाकर अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया था तो उस दौरान भी शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी देखने को मिली, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी भी कुछ कहा नहीं।